सतगुरुदेव भगवान की जय हो, माँ सिद्धदात्री की जय हो, अखिल तारणी मैया की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो, कुंवर कन्हैया की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, परमहंस महाराज की जय हो, मैया अखिल तारणी की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो, और आरती समर्पयामि उमापते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपस्थित श्रोतागण यथोचित स्थान ले, आगंतुक महानुभाव, पिता तुल्य बुजुर्गगण, सहोदर भ्राता एवं सत्संग पांडाल में पधारी हुई समस्त आदिशक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, मेरी बहनें, उपस्थित वयोवृद्ध वाद्य वृंद एवं सूक्ष्म रूप से पधारी हुई समस्त दैविक सत्ताएं, सर्वप्रथम अपने परम पूज्य गुरुदेव के वरदहस्त को अपने सिर पे आभासित करते हुए, माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए, माँ शारदा ने मेरी जिह्वा पे जो भी प्रसाद दिया है, मेरे शब्दकोश में जो भी शब्द दिया है वो आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। आशा करते हैं अगर उन शब्दों को आपने श्रवण करके जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी, और नहीं तो फिर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, हिरण के नाभि में ही मृग होता है, हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, उसका सुगंध लेता है लेकिन वो आभास नहीं कर पाता कि मेरे नाभि में ही कस्तूरी है, और सूर्य दुनिया में संपूर्ण जगत में भटकता रहता है सिर्फ ये ढूंढने के लिए कि सुगंध है कहाँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे हमारे आपके साथ है। परमात्मा श्रीहरि हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, परमात्मा श्रीहरि हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। अब विषय आता है कि जहां आप रहते हो वहां कितनी स्वच्छता सौंदर्यता रखते हो, पवित्रता रखते हो, हा? कहीं पैर में गंदगी ना लग जाए, कहीं चद्दर गंदा ना हो जाए। अगर आप साधारण अपने लिए इतनी पवित्रता रखते हो तो आपके हृदय में आपके प्रभु रहते हैं, आपके आराध्य रहते हैं, आपके इष्ट रहते हैं, जिन्होंने आपको सर्वोच्च दिया है, तो अपने अंतर आत्मा को कितना पवित्र रखना चाहिए। हमें भोजन सात्विक करना चाहिए, एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है। आप मदिरा पीते हो, मांसाहार करते हो, उल्टी सीधी चीजें खाते हो, हृदय में किसका वास है आपके?
प्रभु का वास है ना। जहां पिंड है वहीं ब्रह्म है, आपके हृदय में ही नारायण का वास है। एक बार कुछ लोगों ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहां रहते हो? मैंने बहुत ढूंढा है, आप मुझे मिलते नहीं हो। भगवान ने कहा, इतना बता दे दाता किस दर तेरा ठिकाना, इतना बता दे दाता किस दर तेरा ठिकाना, रो रो के ढूंढता हूँ प्रभु आपका ठिकाना। वैकुंठ में न रहता न दिल में योगियों के, वैकुंठ में न रहता न दिल में योगियों के, और जिस जान ने मुझको ढूंढा उस दर मेरा ठिकाना। जिसने सच्ची भावना से जिस स्वरूप में मांगा है भगवान, उसी स्वरूप में उसको मिलते चले गए। हम ये तो ज्ञात करते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा है, तो हमारे इस मन मंदिर को कैसे रखना चाहिए? स्वच्छ पवित्र हम कैसे रख रहे हैं? शुद्ध सात्विक आहार हो तो इंसान का स्वच्छ विचार होता है। और हम क्षणिक सुखों के लिए वो उल्टी सीधी चीजें स्वीकार कर लेते हैं। जिह्वा के स्वाद में यहां प्रमाण है, भगवान कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो गया है। जब पति पत्नी आते हैं तो चर्चाएं होती हैं, आप अपने बारे में बताओ, हम अपने में बताते हैं, आपकी लाइफ कैसी रही, हमारी लाइफ कैसी रही, और वास्तविकता अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज कृष्ण और रुक्मिणी भी चर्चा कर रहे हैं, कहिचितम सुखमासीनम स्वत अल्पस्थम जगद गुरु पतिम पर चरद भय स्नेह व्यजने न सखी जन यलीलया विश्व सृजंत ईश्वर जाता स्वसे तुना गोपी था दुस्वज। चर्चा चलती, हे प्रभु आपने सृष्टि में आकर क्या किया, आपने इतना समय गवाया ब्रज में क्या किया, आपने मां के देवकी के आपने माँ देवकी के दुखद हृदय को, जिसके हृदय में वेदनाएं भरी हुई थी सब कुछ खोने की, उसको संतुष्ट कैसे किया? ब्रज में क्या क्या लीलाएं की? इतना कहते कहते परंपरा है दूध पीने की, गरम दूध कन्हैया जी को पिला दिया, कन्हैया जी को गरम दूध पिलाया और कन्हैया जी के मुख से निकल गया जय श्री राधे। रुक्मिणी ने कन्हैया को दूध पिलाया और कन्हैया जी के मुख से निकल गया राधे। अब अर्धांगनी के सामने किसी और का नाम ले लिया जाए हैं? तो बात थोड़ी खुटुर पुटुर में आ ही जाती है। ये तो किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा। रुक्मिणी ने दुग्ध पान कराया, कृष्ण के मुख से निकला राधे। अब अगर राधे ही सब कुछ है तो हम कौन है?
कहाँ है राधे, यहाँ तो कोई नहीं है। आप उनका नाम ले रहे हो, यानी मेरे पास हो करके पास होने का एहसास नहीं। कन्हैया जी ने कहा, रुक्मणी, राधा सदैव मेरे हृदय में रहती है। रुक्मणी को बात समझ में नहीं आई। प्रत्यक्ष देखने के लिए स्वयं रुक्मणी दूसरे दिन राधा रानी के महल में चल पड़ी। जा रही है रुक्मणी, राधा के मुख्य द्वार पे पहुंचती है। एक कामदेव की पत्नी शश रति से भी सुंदर दिव्य तेज मस्तिष्क से प्रभावित हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूर्णिमा की चांद का उदय हो गया हो। वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राधा ने जाकर के, रुक्मणी ने जाकर के उसे वंदन किया, प्रणाम किया और कहने लगी कि आप राधा रानी हो। बोले, ना, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो राधा की दासी हूं। और राधा से मिलने के लिए अभी आपको ऐसे कई द्वार पार करने पड़ेंगे। बोले, आप तो देखने में पूर्ण रूप से राधा जैसी ही लग रही हो। इतना अलौकिक तेज, इतना ज्यादा दिव्य प्रभाव आपके मस्तिष्क का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच रहा है। हंसते हुए दासी ने कह दिया, यही तो हमारी राधा की कृपा है, जो उसके साथ रहता है उसे अपने जैसा बना देती है। अगले द्वार पर गई, वही प्रक्रिया। अंत में राधा के समक्ष पहुंची। राधा के समक्ष जब रुक्मणी पहुंचती हैं, तो मेरे भाई बहन, राधा रानी स्वागत के लिए, नमन के लिए, वंदन के लिए उठी नहीं। रुक्मणी ने कहा, हम आपके घर आए और आप स्वागत के लिए खड़े भी नहीं हुए। राधा के नेत्रों में अश्रुधाराएं बहने लगी। कह लगी, बहन, विषम भावेन मर्यादाम नास्ति। विषम भाव में मर्यादा नहीं होती है, मैं कैसे उठती, मेरे पैर में तो छाले पड़े हुए हैं, मेरा पैर जल गया है। रात को जब आपने गरम गरम दूध मेरे स्वामी को पिला दिया, तो मेरे पैर में छाले पड़ गए। अस्तु, ये उदर है, यहाँ परमात्मा का वास है। हम अगर ऐसा ही आहार विहार करते हैं तो हमारे इष्ट को कष्ट होता है, और जब हमारे इष्ट को कष्ट होगा तो हमें हमेशा कष्ट में रहना पड़ेगा। साधना का साधन ये शरीर ही तो है, साधना कैसे करेंगे आप? शरीर रहेगा तभी तो। आपको जो प्रकृति ने साधन दिए हैं, इनका भोग कैसे करेंगे आप? आपके पास आए हुए साधनों को आप साध कैसे करेंगे, बताएं? अगर ये शरीर रहेगा तभी तो।